आईपीएल 2021 के शुरू होने से पहले राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। राजस्थान ने उन्हें डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट नियुक्त करने की घोषणा की है। इसकी जानकारी फ्रेंचाइज ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए दी। दरअसल आईपीएल के 14वें सीजन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी टीमों ने अपने अपने खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज कर दिया है। आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने रविवार को श्रीलंका के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा को लीग के आगामी सीजन के लिए अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त करने का ऐलान किया। संगकारा मेरिलबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष भी हैं। एमसीसी के मौजूदा प्रेसिडेंट संगकारा पर रॉयल्स फ्रेंचाइजी के संपूर्ण क्रिकेट इकोसिस्टम पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। संगकारा कोचिंग ढांचा, नीलामी योजना, टीम रणनीति, प्रतिभा खोज और विकास के साथ साथ नागपुर में रॉयल्स एकेडमी के विकास का काम भी संभालेंगे। संगकारा का नागपुर में रॉयल्स अकादमी के विकास की भी जिम्मेदारी होगी। संगकारा ने इस नियुक्ति पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, मुझे रॉयल्स के साथ जुड़कर खुशी हो रही है और मैं नई चुनौतियों के लिए तैयार हूं। मैं इस टीम को मजबूती प्रदान करने के लिए पूरे मन से काम करूंगा। आईपीएल के 14वें सीजन का मिनी ऑक्शन फरवरी में होना है। इससे पहले सभी फ्रेंचाइजी टीमों ने अपने रिलीज और रिटेंड खिलाड़ियों की लिस्ट की घोषणा कर दी है। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो टीम ने कप्तान स्टीव स्मिथ को इस बार रिलीज कर दिया है। राजस्थान रॉयल्स एक आईपीएल खिताब अपने नाम कर चुकी है। आपको बता दें, आईपीएल का पहला सीजन 2008 में खेला गया था और तब शेन वॉन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने खिताब अपने नाम किया था। वहीं संगकारा खुद आईपीएल खेले हैं। संगकारा ने आईपीएल में 71 मैचों में 1687 रन बनाए। उनके बल्ले से कुल 10 अर्धशतक भी निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, राजस्थान।